कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान छिड़ा हुआ था। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां एक दूसरे पर राज्य में विकास और काम के मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त रही। ऐसे में चुनाव का मतदान 10 मई को खत्म हुआ, वहीं 13 मई को इसका रिजल्ट भी घोषित हो गया। हालांकि ऑल्ट न्यूज की टीम ने इन चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दावों पर नजर बनाए रखी। चुनाव से 3 दिन पहले यानी 7 मई को कर्नाटक चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। इनमें बताया गया कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनावी सामग्री या इससे जुड़ी अन्य बातों को टेलीविजन, सिनेमेटोग्राफी या सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर रोक लगा दी जाएगी। यानी 8 मई को शाम 6 बजे के बाद से 10 मई की शाम 6 बजे के दौरान किसी भी चुनावी सामग्री या इससे जुड़ी अन्य बातों पर रोक लगाई गई थी। ऑल्ट न्यूज़ पिछले काफी समय से फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा के एड लाइब्रेरी रिपोर्ट पर रिसर्च कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी और उनसे संबंधित पेजों द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो विज्ञापन चलाए जा रहे हैं इन्हें मॉनिटर कर रहा है। हमने इससे जुड़ी ये 2 रिपोर्ट्स भी पब्लिश की थी। ऐसे में मॉनिटर करते हुए हमें हाल ही में ऐसे कुछ पेज मिले जो कर्नाटक चुनाव से संबंधित विज्ञापन चला रहे थे और इनमें से एक पेज ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया है। मेटा की एड लाइब्रेरी रिपोर्ट में रिसर्च करते हुए हमने पाया कि निर्धारित 48 घंटों में भाजपा से जुड़े फेसबुक पेज नमनमो ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चुनाव से जुड़े मुद्दों के साथ राजनीतिक विज्ञापन चलाया है। 10 मई यानी चुनाव के दिन इस पेज ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 64 विज्ञापन चलाए थे। वहीं इन सभी विज्ञापन का डेमोग्राफिक टारगेट 100% कर्नाटक था। छानबीन जारी रखते हुए हमने ये भी पाया कि इस पेज का डिस्क्लेमर मेटा के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करता है। गौर करें कि मेटा की विज्ञापन पॉलिसी के मुताबिक जब कोई विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन को सामाजिक मुद्दों, चुनाव या राजनीति से संबंधित कैटेगरी में रखता है तो उन्हें डिस्क्लेमर में ये बताना होगा कि विज्ञापन के लिए भुगतान किसने किया, जबकि इस पेज के डिस्क्लेमर में आधी अधूरी जानकारी मौजूद है। ऑल्ट न्यूज ने 20 अप्रैल को मेटा को नमनमो और इसके जैसा पैटर्न फॉलो करने वाले कुछ पेज के बारे में इन्फॉर्म किया था। हालांकि हमें उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन बाद में हमने 10 मई को इस पेज द्वारा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के बारे में मेटा को इन्फॉर्म किया, जिस पर 11 मई को फेसबुक के प्रवक्ता ने रिप्लाई देते हुए कहा कि मेटा ने इन्फॉर्म किए गए पेज को डिलीट कर दिया है। इससे पहले पब्लिश की गई ऑल्ट न्यूज की इन 2 रिपोर्ट्स में ऐसी ही 23 वेबसाइट्स के बारे में बताया गया था जिसके जरिए सत्ताधारी पार्टी भाजपा फेसबुक पर विपक्षी पार्टियों और नेताओं को टारगेट करते हुए धड़ल्ले से विज्ञापन चला रही थी और वहीं डिस्क्लेमर में भी पूरी जानकारी शेयर नहीं कर रही थी। मेटा को इसके बारे में इन्फॉर्म किए जाने के बाद 9 पेजों के विज्ञापनों को ये कहकर हटाया गया था कि इनका डिस्क्लेमर मेटा के विज्ञापन स्टैंडर्ड्स के मानकों का पालन नहीं करता है। हालांकि अब देखना यह है कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे इन फेसबुक पेजों और इन्हें चलाने वाले लोगों या संगठन के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है।